अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो कल का भी लगता आपने देखा होगा, हम किमाड़ी गए थे मछली खाने। दोस्त ने आसिम भाई ने जो ट्रीट दी थी हमें, वो पाकिस्तान हारने पे दी थी। मैंने बोला था पाकिस्तान हारेगा, वो बोले थे पाकिस्तान जीतेगा। तो इस ट्रीट पर तो हम गए थे किमाड़ी, लेकिन वहाँ पर भी बड़ा इंजॉय किया, मज़ा आया। बंदे को जाना चाहिए कभी कभार तो बाहर। तो आज हम जा रहे हैं एक शादी में जो दावत आई थी वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सीन हम कुछ और करने वाले हैं, मुफ्ते वाला सीन करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। बात दावत तो हमारी है, लेकिन ऐसे बन के जाएंगे जैसे कि हम मुफ्ता लगाने आए हैं ना, सही है ना। तो अवेश भाई भी हमारे साथ ही होंगे, हम भी होंगे, अवेश भाई भी होंगे, एक आध और अगर मिल जाएगा दोस्त तो वो भी साथ होगा शायद। वैसे दो हम दोनों तो पक्के साथ होंगे इंशाल्लाह शादी के अंदर ना। तो शादी का मेन्यू में देखते हैं यहाँ पर क्या। याली शादी में तो तुम्हें पता है नॉर्मली सही मेन्यू था, जो आम बिरयानी होती है वही थी, बिरयानी और कोरमा, और मीठे के अंदर थोड़ा खास लगा था मेरे को। लेकिन हम वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो आइए आप भी साथ चले, आपको भी साथ लेके चलते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें यार। फाइनली भाई हम हाल में आ गए, देखते हैं यार बहुत सारे हाल हैं, लेकिन हमें खाली इसी के अंदर जाना है। गिरे पैलेस का बोला हुआ था उन्होंने, वो देखो सामने गिरे पैलेस। हाल तो बड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन खाने वगैरह से पता चलेगा क्या सीन है क्या सीन है, सही है ना। ये आ गया गिरे पैलेस, इसके अंदर हम जाएंगे, फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। भाई अब हम अंदर जा रहे हैं, हमारे साथ अवेश भाई भी हैं। ये देखो अवेश भाई, क्या निकाह विकाह पढ़ाने आए हो, चादर वादर डाली हुई माशाल्लाह। हाँ निकाह वगैरह सभी पढ़ा लेते हैं, पढ़ाएंगे निकाह वगैरह। चलो चलो भाई, अवेश भाई बोल रहे निकाह वगैरह ही पढ़ाएंगे, अंदर चलते हैं। हाल चेक करें भाई, अरे हाल में तो इंटर आए हुए। अवेश भाई आवाज़ कैसी आ रही है? बहुत गलत काम होते हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ऐसा ही इससे तो बंदा अपने करना है। नहीं अवेश भाई बोल रहे हैं बच्चों को ऐसा करने नहीं चाहिए, खुशी के मौके पे बंदा अल्लाह करना चाहिए, ये अल्लाह पाक खुशी देता है तो आपको आप इसका ना तो लाया ना करें, सही है ना। लेकिन म्यूजिक में भारत लोग बनाने में मज़ा नहीं आ रहा, मैं सारी चीज़ें आपको बाहर जाके समझाऊंगा। भाई एंट्री का चक्कर यहाँ पर भी है, यहाँ भी एंट्री होगी, और ये चीज़ हमें बुरी लगती है। वो खाना हमारे सामने आ चुका है, तकरीबन आधा घंटा हो गया खाना आए ना, और एंट्री हो गई, शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, उसने म्यूजिक बंद कर दिया। अब व्लॉग बनाने में मज़ा आएगा, लेकिन हम तुम्हें वैसा व्लॉग बना के नहीं दिखाएंगे जैसा देखना चाहिए ना। जिस तरह मैं तुम्हें बोल रहा था वैसा व्लॉग नहीं बनेगा, क्योंकि चलने फिरने की जगह नहीं है, पब्लिक बहुत है यहाँ पर। अवेश भाई से पूछना भाई, बस खाने में क्या होना चाहिए? खाने में तो अच्छा ही होगा। हाल देख के आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए खाने के अंदर? जैसा हाल करा है उन्होंने वैसा खाना भी अच्छे ही करा होगा उम्मीद है, जब इतना सारा पैसा हाल में लगा रहे हैं तो खाना भी अच्छे ही करेंगे वैसे। भाई अवेश भाई बोल रहे हैं खाना भी लाजमी अच्छा होगा, लेकिन आपको पूरा गाइड जो दूंगा ना मैं हाल से बाहर जाकर दूंगा, अभी मज़ा ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर बाद म्यूजिक ऑन कर देगा, अभी एंट्री भी चलेगी, एंट्री भी तुम्हें सारी की दिखाऊंगा कैसे लगी। और ये मोहम्मद जबीर भी बिल्कुल सीरियस बैठे हैं, भूख लग रही है क्या बेटा? एंट्री
स्टार्ट हो गई है अंधेरे से, तुम्हें पता चल रहा होगा इंट्री कम से कम 1 से 2 घंटे खाएगी, 1 घंटा तो मस्त है इंट्री के अंदर ना। अब ये देखो लाइटिंग वगैरह ये ऑन हो गई है, अब ये 1 घंटा तो मस्त है, 1 घंटे के लिए तो इंतजार करो। बात तो करके सुनो भाई। शुक्र है म्यूजिक का बंद हुआ, लेकिन अब ये कि खाने का जितना पूछे का तो बेकार लगता है, टेबल सिस्टम भी अच्छा लगता है, टेबल पर ये खाना ये अच्छी बात है, यहाँ पर आएगी टेबल सिस्टम। भाई शुक्र है बिरयानी तो आ गई, बिरयानी वाली टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये बिरयानी में टेस्ट आइड है, हाँ तो कोरमा भी चख लेते हैं थोड़ा सा। कोरमा नहीं है ये, कढ़ाई है शायद, ये कढ़ाई है नहीं, हाँ ये भाई। अपने खाना वगैरह तो खा लिया था, लेकिन माशाल्लाह आज का खाना अच्छा बना हुआ था, एक साउंड सॉन्ग जो चल रहे थे उसमें मजा नहीं आ रहा था, मैं गाइड लाइन पर घर पर ही जा कर दूँगा, बहुत देर आप वीडियो मजा आए ना आए ये नहीं कहता, लेकिन बाद में मुझे वीडियो बनाने में मजा नहीं आया, मैं घर पर जाके आपको दिखाऊँगा क्या क्या। तो भाई फाइनली हम शादी से घर पर आ गए, शादी में यार मज़ा बस सॉन्ग की वजह से नहीं आया, क्योंकि वीडियो में आवाज़ आती नहीं, क्योंकि इको चल रहा था वहाँ पर, मैं आवाज़ कितनी भी तेज़ बोल रहे थे ना, माइक मेरे पास असल में हल्का वाला है इसलिए उसमें आवाज़ इतनी कैच करता नहीं हूँ माइक, तो बस मैंने नॉर्मली थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप बनाए थे, वही आपसे शेयर किए इस वीडियो में, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन जो बात है ना, शादी के अंदर मज़ा बड़ा आया, इस वाली शादी में हाल की लोकेशन भी अच्छी थी और मज़ा भी बहुत आया, हाल भी बहुत अच्छी जगह पे था, ग्रे पैलेस के नाम से हाल है ये, कोरंगी कोस्ट गार्ड पर यह हाल है ग्रे पैलेस के नाम से, लेकिन जगह माशाल्लाह अच्छी बना दी हालों की ना, मज़ा तो आया इस हाल में, लेकिन इको नहीं होता ना फिर वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता, फिर आपसे भी शेयर करते, लेकिन शोर शराबा इतना था तुम्हारी मेरी आवाज़ आप तक समझ में आती नहीं, इसलिए मैंने वीडियो जल्दी बनाई नहीं, तो यहीं दें वीडियो को एंड, टाइम भी काफ़ी हो गया, घड़ी में दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से 1:05 है, 9 बजे के गए हुए थे, 1:05, 4 घंटे हम इसी तरह बैठे हैं। मैं अवेश भाई से भी बोल रहा यार क्या करें, वीडियो तो बनेगी नहीं, शोर इतना आ रहा है, म्यूज़िक इतना है, तो अवेश भाई ने बोला भाई बस खास ले लो, उसके बाद फिर घर पर जाके बता देंगे, ये सीन था, और सीन ये था कि मैंने बोला था मुफ्ते वाला सीन करते हुए जाएंगे, लेकिन मुफ्ते वाला सीन भी इसी वजह से हो नहीं सका ना, 2-4 लड़के मिले भी थे, मैंने बोला यार आवाज़ सही नहीं आएगी, बस ये चक्कर है, अगर आवाज़ सही आती ना वाला सीन करते, दावत तो थी लेकिन सबके सामने बनते कि भाई मुफ्ते में आए, दावत वगैरह कुछ भी नहीं है, भाई ये सीन था, हमने फिर ये कर लिया, तो व्लॉग को करते हैं एंड क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, अल्लाह हाफिज़।